हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेश। महिंद्र ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से इमोजी बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक या फिर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें डिफ़ॉल्ट तरीके से जो इमोजी होता है आपको वही सेंड करना पड़ता है अपने दोस्तों को। अगर आप चाहते हैं कि आप उस इमोजी के अलावा खुद का बनाया हुआ इमोजी अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो आप आज की इसकी वीडियो देखकर आप आसानी से इमोजी बना सकेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, और बहुत ही इजी है और बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इमोजी बनाते हैं और कैसे अपने दोस्तों को उस इमोजी को सेंड करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों बिटमोजी। ठीक है, तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, बिटमोजी। तो बिटमोजी दोस्तों ये एप्लीकेशन है दोस्तों, ये एक बिल्कुल फ्री और एप्लीकेशन है। देखिए, बिटमोजी योर पर्सनल इमोजी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो रेटिंग है दोस्तों 4.6 बहुत ही बढ़िया है, और इसका यूजर दोस्तों 50 मिलियन है। शायद आपने भी इसको देखा होगा अगर आपने इसको यूज किया है तो। अगर आपको इसने देखा है तो आप इस वीडियो को मत देखें। अगर जो आप न्यू हैं, आप इसके बारे में, आपको इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए कैसे इस बिटमोजी के माध्यम से इमोजी बनाते हैं। तो दोस्तों, जस्ट आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपका सामने बिटमोजी कुछ तरह इस तरह आ जाएगा। तो आपको इधर दो ऑप्शन मिलेगा, एक लॉगिन विथ स्नैपचैट और दूसरा ऑप्शन मिलेगा साइन अप विथ ईमेल। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेकंड ऑप्शन से लॉगिन करें बिटमोजी को, क्योंकि स्नैपचैट बहुत ही घटिया एक एप्लीकेशन है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से नीचा दिखाया था। तो मैं इसको यूज़ भी नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि आप भी इसको यूज़ कीजिए। तो फिलहाल साइन अप विथ ईमेल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपको दोस्तों इधर व्हेन योर बर्थडे, आपका डेट ऑफ बर्थ इधर ऐड करना होगा। तो आप इधर से कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ तो अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जस्ट कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इधर एक नाम देना होगा, तो आप अपने नाम दे दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों नाम देने के बाद आपको लास्ट नेम पर कोई भी एक देना है, तो कोई भी एक नाम दे दीजिए आपका नाम। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस पर ईमेल देना है, तो मैं इधर ईमेल दे देता हूँ दोस्तों। तो आप भी इधर अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए। ठीक है, देने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ हमारा जो मैं जो जो कुछ बोलूँगा आपको जस्ट उसको फॉलो करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप फॉलो करते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे इमोजी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आप जस्ट इस तरह ईमेल पर पासवर्ड दे दीजिए, उसके बाद साइन अप पर क्लिक करके इस पर अकाउंट बना लीजिए। तो फिलहाल तो देखिए दोस्तों, इमोजी के लिए ये अकाउंट बन गया है। अभी आपको बता रहा है कि क्रिएट योर अवतार, अभी आपको अपना अवतार सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मेल करना चाहते हो तो मेल, अगर आप फीमेल करना चाहते हो तो फीमेल। तो फिलहाल तो मैं मेल, तो मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेल सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपके पास आपका सामने दो ऑप्शन आएगा। ये है दोस्तों आपका अवतार का स्टाइल, बिटमोजी डिफॉल्ट स्टाइल, और दोस्तों और एक का स्टाइल, जो स्टाइल आपको पसंद है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं दोस्तों फास्ट बिटमोजी स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपका सामने अभी देखिए फेस शेप आ रहा है, तो आप जिस टाइप का स्टाइल चूज करना चाहते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं इस तरह सिलेक्ट करके। ठीक है, तो दोस्तों मैं देखिए मैं फास्ट सेकंड वाला को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देखिए राइट एरो पर आपको क्लिक करना होगा। तो राइट एरो पर क्लिक करके आप कलर चूज कर लीजिए, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप उस कलर को चूज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप एरो पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अगर आपको हेयर कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, तो फिलहाल तो मैं इसको ब्लैक ही रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों हेयर स्टाइल, तो अगर आपको हेयर स्टाइल चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको यही हेयर स्टाइल पसंद है तो आप इसको रख दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, अभी आपका आईब्रो जो है दोस्तों उसका स्टाइल अगर आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, जो स्टाइल आपको पसंद है। इधर चारों ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो आप कोई भी एक को चूज करके आगे बढ़िए। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ईयरबो का कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, तो फिलहाल तो मैं इसको ब्लैक रख देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको अगर कलर चेंज करनी है तो करके आगे बढ़िए। उसके बाद दोस्तों अगर आपको आई कलर चेंज करनी है तो आप अपने हिसाब से, देखिए इधर बहुत सारा कलर है आई कलर, तो आप आई कलर चूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको ग्रीन करके आगे बढ़ता हूँ। अभी आपको नोज़ का जो अगर स्टाइल अगर चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इधर बहुत सारा स्टाइल मिल गया है, तो आपको जो पसंद है आप उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। उसके बाद दोस्तों अगर आपको आपका जो मुंह का जो आइकन है माउथ का, उसको अगर आप चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। देखिए फिलहाल तो मैं इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। तो इधर देखिए, अगर आपको आपका जो फेस का फेस हेयर ऐड करनी है, अगर आपको फेस का हेयर ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जो पसंद है आपको उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जस्ट आगे बढ़िए, जो जो करना है आपको कर लीजिए, आपको सब कुछ बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगा। अगर आपको कलर चेंज करनी है तो आप कलर चेंज कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद दोस्तों आप अगर आपको आई डिटेल्स देनी है तो आप दे सकते हैं, जो जो करना है आपको। मैंने बता दिया कि जो जो आपको इधर ऑप्शन मिल रहा है अपने हिसाब से आप डिजाइन कर लीजिए इस इमोजी को। आप
आपको जो पसंद है उसी तरह टाइप से आप इसको डिजाइन कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ आप राइट एरो पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनली जो ऑप्शन मिलेगा, इधर आपको एक जो ग्लासेस मिल रहा है दोस्तों, अगर आप अपने ग्लासेस देना चाहते हैं अपने आँखों में तो आप उसके लिए आप कोई भी ग्लासेस चूज कर सकते हैं इधर से, ठीक है। फिलहाल तो अगर नहीं ऐड करना है तो आप इस जो रेड बटन है दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। उसके बाद आपको एरो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आप कैप देना चाहते हैं आपके हेड पर तो आप कैप भी दे सकते हैं। तो दोस्तों जो कुछ आपको चाहिए आप दे सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं ये हेड कैप दे रहा हूँ दोस्तों, तो उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अभी आपको स्टाइल चूज करना है कि आप कैसा बॉडी देना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई जो बॉडी पसंद है आप उसको दे सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये जो एंड में जो बॉडी है दोस्तों मैं इसको फनी हेड ज़्यादा तो मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको जस्ट इस पर क्लिक करके आपको सेव एंड पिक आउटफिट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद दोस्तों आपका सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। आप अभी आप इसको जो 1-2 का ऑप्शन आ रहा है आपको टेक इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो कुछ बता रहा है आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके इसको पूरा करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको जो स्टाइल पसंद है आप उस पर क्लिक करके अपने हिसाब से डिज़ाइन दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों इस तरह इधर एक ऑप्शन आ गया है। तो मैं अभी इसको ड्रेस पहनाऊंगा दोस्तों, तो आप भी कोई भी एक ड्रेस को इधर से चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इस ड्रेस को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ऊपर देखिए आपको एक टिक आइकन मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ी देर वेट कीजिए, आपका सामने इमोजी रेडी होगा दोस्तों। तो आपका जो इमोजी अभी रेडी हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इमोजी रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो इमोजी मैंने अभी बनाया है, इसका जो हेड में माथे पर में जो कैप पहनाया था वो भी है दोस्तों, मैं जो बनाया था वही इधर शो हो रहा है। देखिए इधर एक चाय के कप पे डूबा हुआ है। तो जो अभी ये टोटली बन चुका है आपका जो पर्सनल इमोजी जो आपने बनाया है। ऊपर देखिए आपको और भी इफेक्ट मिलेगा, बहुत सारा फनी आपका इमोजी रहेगा, उसमें थोड़ा स्टाइलिश जो टेक्स्ट होगा कुछ लिखा होगा दोस्तों जो फनी होगा, ठीक है। देखिए आप ही का होगा, ठीक है, जो आपने बनाया है। तो अभी आप अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ कोई भी कोई एक को आप दोस्तों के साथ फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो आप इजी तरीके से करते हैं। जिसको आपको चाहिए तो आप उसको इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हैं आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा जीनियस। उसके बाद आपका जो इमोजी है दोस्तों वो इस तरह आ जाएगा जो आपने अभी बनाया है, ठीक है। अगर आपने आपका हमारा जो वीडियो है दोस्तों वो फुल देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये इमोजी मैंने अभी बनाया था। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है हैंगआउट, व्हाट्सएप, मैसेंजर। आपके मोबाइल फ़ोन पर जितना भी मैसेंजर एप्लीकेशन है दोस्तों वो इधर शो हो जाएगा। फिलहाल तो मैं व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा इस फोटो को, तो मैं व्हाट्सएप को चूज कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों अब देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप दोस्तों इधर आज आ गया है। तो मैं अपने दोस्तों को सिलेक्ट करके दोस्तों इसको सेंड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये सेंड कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों ये दोस्तों सेंड हो गया है, मैंने पहले भी एक बनाया था उसके बाद उसको सेंड किया था। देखिए दूसरा वाला, देखिए बिल्कुल दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो इमोजी है दोस्तों बन गया है। तो दोस्तों इसी तरह आप आसानी से अपने पसंद के अपने स्टाइल से आप कुछ यूनिक तरीके से इमोजी बनाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसको चमका सकते हैं कि देखिए मैंने कैसे इमोजी बनाया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसको लॉग आउट करना है तो ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करके लॉग आउट बटन पर क्लिक करके आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री है बिटमोजी, ठीक है। तो आप इसको यूज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर इससे भी अलग अलग तरीके से आपको एप्लीकेशन मिलेगा इमोजी बनाने के लिए, लेकिन मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा, इसका रेटिंग भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। सब कुछ मिलाकर ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, किसी भी सोशल साइट पर आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल या फिर सुझाव देनी है तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। अगर आपको इसी तरह वीडियो फीचर भी पानी है तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।